नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी की क्लास में जो अपना सब्जेक्ट है जूलॉजी में अपने जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा। कौन सी चल रही है अपनी? कोर डेटा। कोर डेटा के अंदर अपने आज पार्ट 31 जो पार्ट है वो आज अपने करने जा रहे हैं, जो कि अपने बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड की कक्षाओं के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक अपने जो टैक्सोनॉमिक भाग चल रहा है जूलॉजी के अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर अपने जो है कोर्डेटा बुक में कोर्डेट का जो क्लासिफिकेशन है, उनके जनरल करेक्टर हैं, उनकी बात अपने यहाँ पर आज उनकी बात हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। अभी तक अपने जो है पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल और एविज के जो करैक्टर देख लिए, उसके साथ में उनका क्लासिफिकेशन देख लिया कि उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, उनको हमने ऑर्डर लेवल तक उनके एग्जांपल्स भी अपने देखे हैं। आज अपने जो करने जा रहे हैं वो है कोर डेटा के अंदर जो लास्ट क्लास है मेमेलिया। कौन सी है? मेमेलिया, जिसको हमने हिंदी में कहते हैं स्तनधारी। हिंदी में क्या बोला जाता है? स्तनधारी। तो स्तनधारी जो है इनकी यदि हम बात करें तो मेमेलिया जो जंतु हैं ये सबसे विकसित प्रकार के जंतु हैं इस पृथ्वी पर, कोर्डेट के अंदर, और वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे, क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। यानी पहले ये कोर्डेट हैं, फिर ये वर्टिब्रेटा हैं, और फिर ये स्तनधारी। हम बात करें तो कोर्डेटा क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके अंदर भ्रूणी अवस्था में रज्जु पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर, उसके अलावा इनमें नर्व कॉर्ड पाया जाता है, गिल स्लिट्स भ्रूणी अवस्था में हो सकते पाए जाते हैं। तो तीनों करैक्टर पाए जाने के कारण कोर्डेट है, यानी नोटोकोड, नर्वकोड और ग्लिस स्लिट की उपस्थिति के कारण ये सारे क्या है? कोर्डेट है। और वर्टिब्रेट्स क्यों कहलाते हैं इनको? क्योंकि ये जो है इनकी जो रज्जू जो होती है वो जो कोर्ड होती है वो आगे जाकर के डेवलपमेंट के स्टेज में अंत में जाकर के वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है सतह पर। तो इनको पृष्ठवंशी भी कहा जाता है वैसे। अब देखिएगा स्तनधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्तन ग्रंथियों को धारण किए हुए रहते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल के अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्तनधारी या मेमेलिया कहा गया। मेमेलिया का होता है मेमेलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मेमेलरी ग्लैंड का मतलब स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखिएगा तो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, हालांकि जो मेल होते हैं उनमें डेवलप्ड नहीं होती, फीमेल के अंदर डेवलप्ड होती है, क्योंकि फीमेल अपने उनका न्यूट्रिशन करती है, इनका अपने शिशुओं का, इसलिए इनके अंदर फीमेल के अंदर क्या होती है? डेवलप्ड प्रकार की होती है। तो यदि हम बात करें स्तनधारियों के लक्षणों की, तो करैक्टर्स आज अपने इनके पढ़ने शुरू करेंगे कि मुख्य मुख्य करैक्टर्स क्या है, इनका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है, और क्लासिफिकेशन कितने आगे क्लासेज के अंदर किया गया है, सुपर क्लासेज के अंदर किया गया, सब क्लासेज या इंफ्रा क्लासेज में किया गया, उनकी अपने आगे बात करेंगे। तो स्तनधारी सबसे विकसित प्रकार के वर्टिब्रेट्स हैं या कोर्डेट्स हैं, जिनका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, जिनमें पेरेंटल केयर जैसे करैक्टर्स पाए जाते हैं, और यदि हम बात करें कि ये सर्वव्यापी होते हैं, जो जल, स्थल और वायु तीनों जगह पर रहते हैं। उसके बाद में इनकी देखें कि इनकी जो है लगभग 5,000 जातियाँ जीवित है, और 15,000 क्या इनकी लगभग उपजातियाँ पाई जाती हैं, और कई जातियाँ इनकी क्या है लुप्त भी हो चुकी है। और इनका जो उद्भव या विकास है वो पूर्व जुरासिक काल जो था उसके अंदर इनका विकास हुआ है, किनका? स्तनधारियों का। पूर्व जुरासिक काल के अंदर जो है इनका विकास हुआ माना, ऐसा माना जाता है। तो लगभग 5,000 जातियाँ जो है जीवित जातियाँ हैं, और 15,000 इनकी उपजातियाँ पाई जाती है। तो जिनके कौन कौन से करैक्टर्स हैं उनकी आज अपनी बात करने जा रहे हैं। तो आज अपने जो भी टॉपिक्स हैं वो है करैक्टर्स ऑफ मेमेलिया, क्लास मेमेलिया करैक्टर्स के लक्षण। तो यदि हम सबसे पहला पॉइंट की यदि बात करें तो ये जो जंतु हैं ये वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल होते हैं, यानी कि समतापी जंतु होते हैं। यदि इनका पहला करैक्टर अपने देखें तो ये क्या होते हैं? समतापी जंतु होते हैं। अब समतापी जंतु का मतलब क्या होता है कि ये जो है इनका जो तापमान है शरीर का वो निश्चित बना रहता है, यानी इन वातावरण का जो अगर तापमान चेंज हो रहा है तो उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके अंदर ये अनुकूलन पाए जाते हैं कि बदलते वातावरण के अनुसार अपने तापमान को निश्चित रखते हैं, जैसे मनुष्य मेमेलिया का सदस्य है जिसके अंदर अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान हमेशा बना रहता है। उसका रीज़न भी है क्योंकि
जो मेमेलियंस हैं इनके अंदर शरीर पर हेयर्स पाए जाते हैं, फिर हेयर्स पाए जाने के कारण क्या है शरीर जो है वो है। उसके अलावा आपने ब्लड का सर्कुलेशन परेशन चरण विकसित प्रकार का होता है, वो भी तापमान को नियमित करने में सहायता रखता है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस जैसा मस्तिष्क में भाग पाया जाता है जो ताप नियमन में सहायक होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी शरीर की विशेषताएं हैं जिसके कारण ये क्या होते हैं समतापी जंतु होते हैं, यानी शरीर का तापमान क्या रखते हैं निश्चित बनाए हुए रखते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इनके शरीर के ऊपर जो है बॉडी के ऊपर जो है हेयर्स का बना हुआ एक तरीके से एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, शरीर पर हेयर्स का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब देखिएगा एक प्रकार से बाह्य कंकाल माना जाता है किसको, जो हेयर्स पाए जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ स्तनधारियों के दो मुख्य लक्षण हैं, पहला लक्षण तो ये होता है कि स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, दूसरा लक्षण ये होता है कि इनके ऊपर जो है शरीर के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, ये भी स्तनधारियों का क्या एक लक्षण है। इसके अलावा इनकी त्वचा की यदि हम बात करें तो त्वचा जो होती है ड्राई होती है, थिक होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है और स्वीट एवं तेल ग्रंथियाँ युक्त होती हैं, यानी ड्राई ठीक यानी मोटी होती है, जलरोधी होती है, रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट होती है, क्या होती है जलरोधी, जलरोधी मतलब शरीर को जल से सुरक्षा करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट यानी श्वेत ग्रंथि, हिंदी में बोलेंगे इसको कहते हैं तेल ग्रंथि, क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो त्वचा जो होती है सूखी होती है, मोटी होती है और क्या होती है वाटर रेजिस्टेंट होती है। तो वाटर रेजिस्टेंट का मतलब क्या होती है, जल में रहने वाले जो जंतु है जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सारे के सारे क्या है अपने कौन से जंतु हैं स्तनधारी जंतु ही हैं। मैंने बताया ना अभी कि स्तनधारी जंतु जल स्थल और वायु तीनों जगह रहते हैं, जैसे जल में है व्हेल है डॉल्फिन कहाँ रहते हैं जल में रहते हैं, और वायु में रहने वाले जैसे अपने ये कह सकते हैं जंतु कौन सा अपना चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है तो वो वायु में रहता है। उसके अलावा स्थल पर बहुत तरह के जंतु जैसे खुद मनुष्य है, गाय भैंस है, ये सारे कहाँ रहते हैं स्थल पर रहते हैं, तो हर जगह रहते हैं। तो अब देखिएगा तो इनकी त्वचा जो होती है सूखी होती है, ड्राई होती है, ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती क्या, उसके अलावा मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है। क्योंकि हम इनकी त्वचा की बात करेंगे जब अपने खरगोश की त्वचा पढ़ेंगे आगे इसी बुक के अंदर कोर डेटा के अंदर, तो उसके अंदर अपने देखेंगे कि जो इनकी त्वचा जो होती है इसके अंदर एपिडर्मिस की जो मुख्य लेयर होती है, क्योंकि एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर होती है, इसमें जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसके ऊपर उनकी पांच या छः कोशिकाओं की परत होती है। तो जो इसकी जो उपकला एपिडर्मिस के अंदर जो उपकला कोशिकाएं होती है वो विभाजनशील होती है, और विभाजन करके जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो पांच या छः लेयर ऊपर होती है, जिसके कारण त्वचा क्या बन जाती है इसकी मोटी हो जाती है। तो सूखी क्यों होती है, क्योंकि जो भारी त्वचा होती है उसकी कोशिकाएं डेड होती है, उसके अंदर क्रिएटिन का जमा होने के कारण वो डेड हो जाती है, तो जिसके कारण बाहर की जो लेयर होती है वो क्या दिखाई देती है सूखी दिखाई देती है। तो मोटी और सूखी होने के कारण बताया जलरोधी का मतलब ये होता है कि ये शरीर की जल से सुरक्षा करती है, श्वेत ग्रंथियां पसीना ग्रंथि और तेल ग्रंथियां पाई जाती है, तो पाई जाती है। तो अब ये जल श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथियां पाई जाने के कारण क्या है, अब श्वेत ग्रंथियां जो है वो तापमान नियमन में भी सहायक होती है, और तेल ग्रंथियां शरीर को नम और चिकना बनाए रखती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इनके अंदर जो है मेमेलरी ग्लैंड पाई जाती है, क्या पाई जाती है मेमेलरी ग्लैंड पाई जाती है, जो कि मुख्य लक्षण होता है इनका मैंने बताया था, उसके जो सीबेशियस ग्रंथियों का क्या होती है रूपांतरण होती है इनमें मेमेलरी ग्लैंड पाई जाती है जो कि मादा में अधिक विकसित होती है, अधिक विकसित होती है, क्योंकि ये अपने शिशु का पोषण करती है।
ठीक है। तो ये अपने शिशु को क्या करती है, पोषण करती है, कौन सी ग्रंथियाँ, मैमरी ग्लैंड। इसके अलावा यदि बात करें, ये जंतु जल स्थल व वायु तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई भी थी, जल के अंदर जैसे डॉल्फिन है, व्हेल है, स्थलीय जंतु जैसे अपने मनुष्य है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये वायु है जैसे अपने चमगादड़ है, इसका उदाहरण होता है। तीनों स्थानों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, कौन है, मैमलरी जंतु। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके अंदर जो है बाह्यकरण पाए जाते हैं, एक्सटर्नल लेंस पाए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोटोथीरिया है वो क्या होते हैं, इसके अपवाद होते हैं। प्रोटोथीरिया क्या होते हैं, इसका अपवाद है, जिसके अंदर एक्सटर्नल लेंस जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे इकिडिना है और ऑर्निथोरिनकस है, इनके अंदर क्या बाह्यकरण नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं परंतु प्रोटोथीरिया के मोनोट्रिम्स ट्रिम्स इसका अपवाद है, इसका क्या है, अपवाद है। अब देखिएगा, कान जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, तीन मोटे होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिड ईयर और इंटरनल ईयर तीन भागों में बंटे होते हैं। अब इनमें सभी स्तनधारियों के अंदर मिड ईयर और इंटरनल ईयर तो पाए जाते हैं और साथ में एक्सटर्नल ईयर भी पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर जिसके दो भाग होते हैं, कर्ण कुहर और ईयर पिना, दोनों भाग होते हैं किसके, एक्सटर्नल ईयर के, एक्सटर्नल ईयर के दो भाग होते हैं, ईयर पिना और कर्ण कुहर, जिसको हम कहते हैं ईयर ग्रुप कह सकते हैं, ईयर ग्रुप। तो ईयर पिना और ईयर ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, जिसके बाद में एक्सटर्नल ईयर के। अब क्या होता है, सभी मैमेलियन के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं परंतु प्रोटोथीरिया के मोनोट्रिम्स में इसका क्या अपवाद है, इनके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे अपने टेकिग्लोसिस है, इकिडिना है, जिसको हम चिट्टी खोर कहते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ईयर का जो अपने ईयर पिन है वो क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। उसके अलावा उनमें ईयर ग्रूव जो है वो तो पाई ही जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इन जंतुओं का जो शरीर है वो सिर, धड़ और पूंछ में क्या होता है, बंटा होता है, शरीर, हेड, ट्रंक व टेल में बंटा होता है, बंटा होता है, शरीर, सिर, धड़ और पूंछ में क्या होता है, बंटा हुआ होता है, किनका, मैमेलियंस का। तो सिर, धड़ और पूंछ इसके अंदर, इनके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा यदि इनका बात करें तो धड़ में जो है दो जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, इनके अंदर पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर पाँच पाँच उंगलियाँ पाई जाती हैं, पाँव चलने, दौड़ने और उड़ने के लिए क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। अग्र व पश पांव उपस्थित व प्रत्येक पांव पेंटाडक्टाइलस होता है, पंच उंगली को होता है, जो कि चलने, दौड़ने, उड़ने में सहायक होते हैं, वे उड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, कौन, इनके पांव, प्रत्येक पांव में पांच उंगलियां होती हैं। उसके अलावा उंगलियों के अंदर नखर पाए जाते हैं, कुछ पशुओं में जैसे खुर पाए जाते हैं जो केराटिन के बने होते हैं, और जंतुओं के अंदर आपने देखा गाय भैंस के अंदर, इनके अंदर सींग भी पाए जाते हैं तो वो भी केराटिन के बने हुए होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके अंदर जो है डायफ्राम पाया जाता है, जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी
जो दो भागों में बंट जाती है, इसकी देगुआ। यदि हम बात करें बॉडी कैविटी में डायफ्राम पाया जाता है, इसको तनुपट भी कहा जाता है हिंदी में, पाया जाता है जिससे बॉडी कैविटी कैविटी दो भागों में बंट जाती है थोरेसिक कैविटी व एब्डोमिनल कैविटी में बढ़ती है बंट जाती है। डायफ्राम श्वसन प्रसव व मल त्याग में अपनी भूमिका निभाता है, या इन सब इन तीनों क्रियाओं के लिए डायफ्राम का होना क्या है आवश्यक। अब मैं आपको बताता हूँ डायफ्राम क्या है। डायफ्राम एक पर्दनुमा संरचना होती है। अब ये होती कहाँ पर, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मेरे बॉडी के हिसाब से। अपना ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया बॉडी कैविटी कहलाती है। पूरा एरिया क्या कहलाती है, बॉडी कैविटी कहलाती है। तो ये पूरी बॉडी कैविटी है। अब क्या होता है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर इस जगह क्या होता है, एक पर्दनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से अनुप्रस्थ रूप से स्थित होती है। तो ये पर्दनुमा जो संरचना होती है, इसको कहा जाता है डायफ्राम या तनुपट, जो कि पर्दनुमा संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है। अब ये डायफ्राम क्या करता है, इस पूरी बॉडी कैविटी को दो भागों में बांट देता है, एक ऊपर की ओर का भाग बॉडी कैविटी का और एक कौन सा होता है उसके नीचे का भाग, यानी उस डायफ्राम के ऊपर का भाग कहलाता है थोरेसिक कैविटी। यानी ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, पूरा थोरेसिक कैविटी। और इस डायफ्राम के नीचे का ये भाग जो है ये क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक जो कैविटी है उसके अंदर क्या क्या होता है, अपने लंग्स होते हैं और अपना हार्ट स्थित होता है, और जो ये नीचे की जो अपनी कैविटी है इसके अंदर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भाग है, सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, ये पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारी कैविटी है, ये पाई जाती किडनी है, वो पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर, वो सारा सारा किस्म होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। तो डायफ्राम इस जगह एक पाई जाने वाली पेशीय संरचना होती है। अब डायफ्राम का काम क्या होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि डायफ्राम जो है इससे एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि प्रेशर उत्पन्न किया जा सकता है, ये दाब लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पेशीय संरचना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेने और सांस छोड़ने में यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो घटनाएं हो रही हैं, उन दोनों ही घटनाओं के अंदर क्या होता है, डायफ्राम की जो पेशियां हैं वो लंग्स की लंबाई को कम और ज़्यादा करने में क्या होती है, सहायक होती है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस समय डायफ्राम की पेशियां लंग्स को लंबाई में बढ़ा देती है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उस समय डायफ्राम की जो पेशियां हैं वो क्या करती है, यूँ करती है, डायफ्राम जो है वो लंग्स को लंबाई में कम कर देता है। तो लंग्स को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए, मतलब क्रियाओं के लिए जो है डायफ्राम का होना क्या आवश्यक है। उसके अलावा जो है जब हम कोई व्यायाम करते समय, कोई हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम करते समय, या भागते समय, दौड़ते समय, या कोई आपातकालीन परिस्थिति में श्वसन की दर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो श्वसन की दर को उस समय बढ़ाने के लिए भी हमारा डायफ्राम क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें प्रसव महिलाओं के अंदर, जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो जन्म देने के लिए जो गर्भाशय से बच्चा सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा में जाता है, गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए वजाइना से होते हुए वो मादा जनन छिद्र से बाहर निकाला जाता है, तो उस घटना को हम प्रसव कहते हैं, बच्चे के जन्म को हम प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के समय जो बच्चे के ऊपर नीचे खिसकने के लिए और दाब लगाया जाता है, वो भी किसके द्वारा लगाया जाता है, डायफ्राम द्वारा लगाया जाता है। उसके अलावा हम मल त्याग करते हैं, तो मल त्याग करने के लिए भी जो दाब लगता है वो भी किसके द्वारा लगाया जाता है, डायफ्राम के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार डायफ्राम पाया जाता है। अब देखो पूरी बॉडी कैविटी होगी, पूरी बॉडी कैविटी में यहाँ डायफ्राम है, तो जिससे डायफ्राम ने क्या किया, इस पूरी बॉडी कैविटी को दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर का भाग और एक कौन सा, नीचे का भाग। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी, और नीचे का भाग क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये अपना क्या है, डायफ्राम। और डायफ्राम क्या है, एक पेशीय संरचना होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें
इसका अंतकंकाल आपको पता ही है, स्थिल और उपास्थिल बना होता है, और इसकी जो स्कल या क्रोटी होती है वो डाई कोंडाइल होती है, यानी इसके अंदर दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होती है, ये मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात, अगला टॉपिक जो बात करें, एग्जोस्केलेटन, एग्जोस्केलेटन पाया जाता है जो कि अस्थिल होता है, जो कि क्या होता है, अस्थिल होता है, यानी बोन नहीं होता है, साथ में उपास्थियां भी उपस्थित होती है, साथ में उपास्थियां भी पाई जा सकती है, उपास्थियां भी पाई जा सकती है। अब जैसे मनुष्य, आपको ध्यान है, 206 हड्डियाँ पाई जाती है पूरी बॉडी के अंदर। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो स्कल या क्रोटी है वो क्या होती है, डाइकोंडाइल होती है, द्विकंदीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं, स्कल या क्रोटी, स्कल डाइकोंडाइल होती है क्योंकि स्कल में दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं। अब देखिएगा, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि क्या होता है, स्थिल होता है, साथ में उपास्थियां भी पाई जाती है। अब आपको पता है कि हमारा जितना भी ढांचा, जैसे हम अपने मनुष्य को उदाहरण लेकिन मनुष्य स्तनधारी के अंदर आता है, तो मनुष्य के अंदर कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। तो अपने जो 206 हड्डियाँ होती हैं, ये सारी अस्थियाँ कहते हैं, और जो कि ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है, आपको पता ही होना चाहिए। उसके अलावा जो अस्थियों के बीच बीच में कुछ उपास्थियाँ पाई जाती है जो कि कोंड्रोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है, और जहाँ पर अस्थियाँ नहीं पाई जाती वहाँ पर उपास्थि पाई जाती है। अस्थि और उपास्थि दोनों का ही काम यही है कि शरीर के अंतकंकाल का निर्माण करना और शरीर को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करना, शरीर के आंतरिक जो कोमल अंग है उनकी सुरक्षा करना, जैसे हर्ट है, फेफड़े, उनकी सुरक्षा हमारी पंचलियाँ करती है, बारह जोड़ी। जैसे मनुष्य के संदर्भ में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य भी एक स्तनधारी है, तो हमारा अंतकंकाल पाया जाता है जो कि अस्थिल होता है, और साथ में क्या, उपास्थियाँ पाई जाती है। तो यानी अंतकंकाल पाया जाता है, डेफिनेटली पाया जाता है। जैसे मनुष्य के संदर्भ में बता रहा हूँ, 206 हड्डियाँ हैं जो कि पूरे शरीर को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करता है। कंकाल का काम क्या है, आकार आकृति प्रदान करना, शरीर को सहारा प्रदान करना, जैसे रीढ़ की हड्डी हमेशा अवलंबन या सहारा प्रदान करती है। उसके अलावा कंकाल हमें चलने में सहायक है, क्योंकि हमारी जितनी भी कंकाल पेशियां हैं वो कंकाल से जुड़ी रहती है, जिससे हम गति जितनी भी करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन जो है इन कंकाल की वजह से भी होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, शरीर के कोमल अंगों को ये सहायता प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने बताया थोरेसिक केज, 12 जोड़ी पंचलियाँ, स्टर्नम, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाती है थोरेसिक केज, वक्ष टोकरी, इसके अंदर हमारे बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन लंग्स और जो हमारा हर्ट है वो पाया जाता है। तो यदि हम गिर भी जाते हैं, चोट लग जाती है, तो ये थोड़े से केज क्या करते हैं, लंग्स और हमारे हर्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो है अस्थियाँ उपास्थियाँ पाई जाती है, और ये जो अस्थि उपास्थि है ये शरीर के अंदर हर जगह मौजूद होती है। इनकी कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 206 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि स्कल जो डाइकोंडाइल होता है, क्योंकि इसके अंदर स्कल में दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होती हैं, मैंने ये पहले भी आपको बताई थी। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या होते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी जो होती है वो होती है एटलस। कौन सी होती है? एटलस। जैसे अपन थोड़ा सा डायग्राम वापस इसका बनाए इस तरह से, ये अपनी खोपड़ी है, यूँ अपनी हड्डी बनाए इस तरह से, अपनी रीढ़ की हड्डी होती है यूँ होती है अपनी, इस तरह होती है। तो पहली जो हड्डी होती है इसको कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। दूसरी अस्थि होती है एक्सिस, ठीक है, ये होती है ग्रीवा कशेरुका। कौन सी होती है? ग्रीवा कशेरुका ये होती है, वक्षीय कशेरुका ये होती है, कटी
या लंबर कशेरुकाएं, और नीचे ये पूंछिए कशेरुकाएं, कौन सी होती है, पूंछिए कशेरुकाएं। ठीक है, अब देखिएगा कि जो पहली ग्रीवा कशेरुका उसको कहते हैं कुल सात होती है, वैसे अपने अंदर ग्रीवा में कितनी होती है, सात। तो अब देखिएगा क्या होता है कि एटलस पहली ग्रीवा कशेरुका है, दूसरी कौन सी होती है, एक्सिस। तो एटलस जहाँ पर ये अपनी स्कल या क्रोटी होती है, क्या होती है, स्कल या क्रोटी जहाँ स्थित होती है, वहाँ पर दो उभार पाए जाते हैं इसके दोनों, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है। उन उभारों को कहते हैं, एक उभार कहते हैं ऑक्सिपिटल कोंडाइल। और यदि वो ऑक्सिपिटल कोंडाइल कोई जंतु के अंदर यदि एक पॉजिटिव है तो वो क्रोटी क्या कहलाती है, मोनो कोंडाइल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, मोनो कोंडाइल। मनुष्य के अंदर क्या होता है कि वो एटलस के दोनों और दो उभार होते हैं, उन दो उभार होने के कारण प्रत्येक उभार को क्या कहा जाता है, ऑक्सिपिटल कोंडाइल। तो दो ऑक्सिपिटल कोंडाइल होने के कारण वो क्रोटी क्या कहलाती है, डाई कोंडाइल। जैसे इसका अपने अगर देखना चाहें, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल के अंदर। जैसे ये मनुष्य की खोपड़ी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये मनुष्य की खोपड़ी है। यहाँ पर इस जगह अपनी जो हड्डी जुड़ती है, कौन सी, ये रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम अपना रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, ये यहाँ जुड़ रही है। तो वो ये एरिया ये होता है इसके, इस एरिया के दोनों, और देखिएगा आप दो आपको गुलाबी कलर की संरचनाएँ दिख रही है, आपको क्या दिख रही है, ये गुलाबी कलर की जो संरचनाएँ दिख रही हैं, ये एक गुलाबी कलर की संरचना क्या कहलाती है, एक ऑक्सिपिटल कोंडाइल। क्या कहलाती है, एक ऑक्सिपिटल कोंडाइल। और ये चूंकि संख्या में दो है तो हमारी जो क्रोटी है या हमारा जो स्कल है वो क्या कहलाता है, डाई कोंडाइल कहलाता है। अगर एक होता तो मोनोकोंडाइल कहलाता है, और ये दो होने के कारण क्या कहलाती है, डाई कोंडाइल। यानी एटलस यहाँ पर अपने एटलस हड्डी स्थित होती है, यहाँ पर कौन सी हड्डी फिट होती है, एटलस। तो एटलस हड्डी के दोनों और दो उभार होने के कारण डाई कोंडाइल स्कल या डाई कोंडाइल क्रोटी कहलाती है। और यदि एक होता तो उसको क्या कहते हैं, मोनोकोंडाइल। तो ये अपने इसकी क्या है, स्कल या क्रोटी की क्या है, विशेषता है। अब अपने जो शेष इसके कैरेक्टर है वो कल अपने 32वीं क्लास के अंदर पढ़ेंगे, 32nd क्लास के अंदर इसके जो शेष बच्चे कैरेक्टर हैं वो मिलिया के देखेंगे। थैंक यू।